तो यहाँ पे एक अपडेट है रियलमी नार्ज़ो 20A के यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पर ना काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि भाई इसमें एंड्रॉयड 12 या 13 अपडेट आने वाला है नार्ज़ो 20A के अंदर, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर नाराज़ है कि अभी तक कोई भी या फिर एंड्रॉयड 12 या फिर एंड्रॉयड 13 का जो भी अपडेट है वो नहीं मिला, ना ही यहाँ पर रियलमी UI 3 मिल रहा है सबको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए इस फ़ोन के बारे में, तो ये है हमारे पास फ़ोन जो है रियलमी नार्ज़ो 20A। तो ये स्मार्टफोन लॉन्च होता शायद 2 साल पहले, और उसके हिसाब से इसमें ना आपको 3 मेजर अपडेट्स मिलने चाहिए। तो ये फ़ोन आया था एंड्रॉयड 10 के साथ, एंड्रॉयड 11 की अपडेट तो मिल गया, लेकिन एंड्रॉयड 12 का अपडेट अभी तक यहाँ पे मिला नहीं है। और बात ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे एंड्रॉयड 12 आएगा भी या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, ये है स्मार्टफोन जो ये है रियलमी नार्ज़ो 20A। और इस स्मार्टफोन में ना मतलब देखो सब कुछ तो अच्छा मिलता है, रियलमी UI 2.0 है जो काफ़ी अच्छा है, मतलब दूसरे फ़ोन से ना आप मतलब दूसरे कंपनी के फ़ोन से आप कंपेयर करते हो MIUI या फिर दूसरे सैमसंग के OneUI इस रेंज में, उससे तो बहुत स्मूथ चलता है मतलब उन फ़ोनों से। लेकिन इसमें ना थोड़े बहुत बग्स है, उन बग्स को फिक्स करने के लिए ना अपडेट ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ना अपडेट तो आ ही नहीं रहा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं अभी कोई अपडेट है भी या फिर नहीं। तो हम लोग चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर अपडेट पर, और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर देख लो कौन से वर्जन पे चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर देख लो। यहाँ पर सॉरी इंटरनेट यहाँ पर नहीं बता रहा है, ग्लिच देखो यहाँ से छोटा मोटा ग्लिच है इसमें, तो इसको फिक्स होने के लिए ना अपडेट तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रियलमी UI 2.0 मिलता है आपको, उसके साथ एंड्रॉयड 11 मिलता है, ये पूरा ऑफिशियल वर्जन है, कोई भी कस्टम रॉम नहीं है। तो इस अपडेट में ना मतलब ये रियलमी UI 2.0 पे ही है, इसका प्रॉमिस किया गया था रियलमी UI 3 तक जाएगा, क्योंकि मेजर अपडेट्स मिलते हैं एंड्रॉयड के, उसके साथ रियलमी UI का भी अपडेट देना चाहिए था रियलमी को। लेकिन इसमें ना एंड्रॉयड 11 ही मिलता है, शायद से एंड्रॉयड 12 आने वाला था बट आया कि नहीं इसकी वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख लो इसके जो लास्ट अपडेट है ना उसमें ना सिक्योरिटी को इंक्रीज़ किया गया था और सिस्टम में कुछ बग्स को फिक्स किया गया था, लेकिन अभी भी बग्स है, ऐसा है कि बग्स नहीं है, लेकिन बग्स है इसमें लेकिन सॉल्व तो नहीं होगा अब, ठीक है। आपको या फिर कस्टम रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अभी बात की जाए ना इसका जो कस्टम रोम है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर नहीं। तो इसमें ना आप कस्टम रोम आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड में तो एंड्रॉयड नहीं जो वारंटी के अंदर है आपका फ़ोन, तो यहाँ प्लीज़ कस्टम रोम इंस्टॉल मत करना, या फिर कुछ गड़बड़ होती है तो फ़ोन वाले वारंटी के अंदर लेंगे नहीं, ठीक है। जिनका वारंटी ख़त्म हो चुका वो चाहे तो इसमें ना कस्टम रोम ट्राई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर ना देखो UI ना अभी भी स्मूथ है, ऐसा नहीं कि UI में कुछ गड़बड़ी हो या फिर कुछ हो, UI फुली फंक्शनल है, मतलब फुली एकदम सही है। बट यहाँ पर रियलमी ने जैसे प्रॉमिस किया था एंड्रॉयड 12 का अपडेट विथ रियलमी UI 3, वो यहाँ पर अभी तक नहीं आया, तो वो आएगा कि नहीं बात करेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कीजिए एंड्रॉयड 12 ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था वो काफ़ी लेट हो गया था एंड्रॉयड 11 के बाद, मतलब एंड्रॉयड 12 आने में ना काफ़ी लेट हो गए थे, जिसमें ना बग्स बहुत सारे थे एंड्रॉयड 12 में, तो उसको फिक्स करने में टाइम बहुत लगा। रियलमी ने कहा था कि इसमें एंड्रॉयड 12 अपडेट आएगा, लेकिन जो टाइम जिसके हिसाब से एंड्रॉयड 12 ने ज़्यादा ले लिया, तो रियलमी के पास टाइम नहीं बचा कि एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन, मतलब ये देखो ये नॉर्मल से स्मार्टफोन के रेंज में ही आता है, तो इसमें रियलमी के पास ना इसलिए टाइम नहीं था कि उनके दूसरे फ़ोन पे फोकस करना था, इसलिए इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं आने वाला। एंड्रॉयड 12 भी नहीं आएगा ना रियलमी UI 3.0 आएगा, उसका रीज़न ये है कि जो एंड्रॉयड 12 गूगल ने बनाया था वो बहुत लेट बनाया था गूगल ने, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसमें, इसलिए उसको फिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया, स्किप कर दिया ये अपडेट, और रियलमी के लिए जो नार्ज़ो 20A फ़ोन है उसके लिए लास्ट अपडेट वही था जो मैंने अभी दिखाया आपको, क्योंकि उसके अलावा कोई अपडेट इसको नहीं आने वाला। तो ये था आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।